शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हुआ, जहां उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में बिराजी माता विरासनी के दरबार में आज से भक्तों का जन सैलाब माता रानी के दर्शन हेतु उमड़ने लगा है। माता विरासनी मंदिर में आज नवरात्र की बैठकी मनाई जा रही है, जिसमें जिले के कलेक्टर और माँ विरासनी मंदिर प्रबंध समिति के संरक्षक बुद्धेश कुमार वैद्य, अपर कलेक्टर श्री सिंह, SDM TR नाग, तहसीलदार दिलीप सोनी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सुबह 7 बजे पूजा अर्चना कर गर्भगृह में कलश स्थापना की गई। साथ ही मनोकामना जवारा कलश स्थापित करने का शुभारंभ भी कलेक्टर द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी के दरबार में दर्शनार्थियों के लिए अलग अलग रेलिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं कलश स्थापित करने की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। माता विरासनी मंदिर प्रांगण में मुंडन, कर्ण छेदन, कथा श्रवण की व्यवस्था भी अलग अलग स्थानों में सुनिश्चित की गई है। गौरतलब है कि माता रानी के दरबार में भक्तों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मनोकामना आजीवन जवारा ज्योति घी कलश 18,100 रुपये, आजीवन जवारा ज्योति तेल कलश 11,100 रुपये, ज्योति कलश घी 1,000 रुपये, ज्योति कलश तेल 500 रुपये, मनोकामना जवारा कलश 100 रुपये भक्तों से दान स्वरूप प्राप्त कर स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं बैठकी से पंचमी तक माता विरासनी का श्रृंगार 500 रुपये व छठ से अष्टमी तक 800 रुपये की रसीद कटवाकर भक्त माता रानी का श्रृंगार करवा सकेंगे। गौरतलब है कि माता विरासनी मंदिर में बैठकी से पंचमी तक स्थापित किए जाने वाले जवारा कलशों का विसर्जन आगामी 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से निकलकर पूरे नगर भ्रमण पश्चात स्थानीय सगरा तालाब स्थित विसर्जन कुंड में जवारा विसर्जित किए जाएंगे। नवरात्र पर्व के अवसर पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने सभी को बधाई प्रेषित की है। वहीं नगर निरीक्षक ML मरावी ने नगर में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में आम जन से अपील की है। जय माता दी। इस माता विरासनी मैया के नगर पाली में नवरात्रि दशहरा पर्व की शुरुआत है, आज पहला दिन है और इसको देखते हुए पुलिस की व्यवस्था हर जगह की गई है, मंदिर प्रांगण में भी, पार्किंग स्थल में भी, और जहाँ जहाँ व्यवस्था है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है। और मैं सभी लोगों से, गणमान्य नागरिकों से, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समिति और पुलिस का सहयोग करें और संबंधित जहाँ पार्किंग दी है, जहाँ पार्किंग का स्थान निश्चित किया गया है, वहीं पार्किंग करें और ऐसे इसमें सहयोग करें। आज नवरात्रा पर्व का आरंभ है। इस पुनीत अवसर पर मैं पूरे नगरवासियों को और पूरे ज़िलेवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे ज़िले की समृद्धि की, शांति की और सभी लोगों के सुख की कामना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे ज़िलेवासी इस पर्व के दौरान पूरी तरह से अपनी आस्था और विश्वास के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे और पूरे ज़िले में हम लोग उन्नति और प्रगति की कामना इस पावन भूमि के माध्यम से करना चाहते हैं। क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं व्यवस्थाओं को? निश्चित तौर पर जो नवरात्रि का पर्व होता है, इस दौरान श्रद्धालु आते हैं यहाँ, और कल भी शाम को मैंने यहाँ पर अपने जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ में मैंने पूरे परिसर का भ्रमण किया है और पूरे परिसर का भ्रमण करने के बाद में जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनकी सुविधाओं का, साफ़ सफाई का समुचित ध्यान रखा जाएगा। इस संदर्भ में यहाँ जो प्रबंधन देखने वाले अधिकारी हैं उनको सबको मैंने निर्देश दिए हैं, मैंने स्वयं इसको देखा है और आज सुबह स्वयं आकर के मैंने पूरी व्यवस्थाओं का एक बार जायजा लिया। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।